गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखिए, क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री में मोमेंटम एजुकेशन चैनल पे आज मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, और वो टॉपिक है कि इम्पोर्टेंट हैलाइड्स के साथ NaOH का रिएक्शन कैसे होता है। तो आप लोग 5-10 मिनट समय देते रहिए, धीरे धीरे पूरी केमिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। और अब मैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिया करूंगा। खैर, तो अभी हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं NaOH इंपोर्टेंट हैलाइड्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है उसके ट्रिक, आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं SOCl2, जरा देखिए SOCl2 के साथ NaOH कैसे रिएक्शन करेगा। तो आप जरा इसके लिए क्या करिए, पहले लिख लीजिए यहां वाटर, है ना, वाटर लिख लीजिए SOCl2। जितने Cl हैं बच्चों, उनको H के साथ आप अलग लिख दीजिए, HCl, ठीक है। तो ये बन गया आपका HCl। अब क्या बचेगा, तो देखिए SOH, दो H और दो Cl तो चले गए, बचा क्या, ओ SO2। अब आपको पता है SO2 क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में अगर वाटर हम मिलाएं तो क्या बन जाएगा, H2SO3, है ना। अगर ये SO3 रहता तो H2SO4 बनता। खैर, अब आगे NaOH रिएक्शन करने आएगा, क्या इससे करेगा NaOH रिएक्शन, जरूर, HCl है, इससे भी करेगा। तो जरा देखिए, अगर 2HCl है, इससे कितने NaOH लगेंगे, दो, और क्या बनाएंगे, 2NaCl और 2 वाटर। बिल्कुल उसी तरह से अगर H2SO3 है, इससे भी 2NaOH रिएक्शन करेंगे। क्यों दो करेंगे, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, और बना लेंगे Na2SO3, और इसमें भी H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी H2O निकलेगा, कितने H2O निकलेंगे जरा देख लीजिए, दो और दो यानी 2। इसी को आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए, जरा देखिए, यहां से SO2 निकला, वो SO2 यूज हो गया, H2SO3 निकला, H2SO3 यूज हो गया, 2HCl निकला, 2HCl यूज हो गया। बोलिए, 2 वाटर यहां यूज हुए, यहां 2 वाटर निकल गए। अब जो बचे उसको लिख दीजिए, तो आप क्या करिए, SOCl2+, जरा देखिए कितने NaOH बच्चों, 4NaOH, और कुछ है क्या, नहीं। अब उधर देखिए Na2SO3+, कितने NaCl, 2NaCl plus 2H2O, 2H2O, है ना आसान। आइए हम लोग एक दूसरा देखते हैं, खूब ध्यान से आप धीरे धीरे करेंगे, सब आ जाएगा और आपको कठिन भी नहीं लगेगा। आइए एक और देखते हैं, अगर मैं SO2Cl2 के बारे में बात करूं, SO2Cl2, तो देखिए SO2Cl2 क्या करेगा, जरा उसको देखिए आप, ये SO2Cl2 है, आप फिर से क्या करेंगे, वाटर, चौक बदल लो, आप क्या करेंगे, वाटर ले लीजिए और वाटर से रिएक्शन कराइए, कितने Cl हैं, दो, तो आप क्या करेंगे, यहां 2HCl निकाल देंगे, 2HCl निकाल दिए, तो देखिए क्या बचा, जब आप 2HCl निकाल दिए, यहां 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2HCl है, क्या बन जाएगा, SO3, क्या बनेगा, SO3। अब इस SO3 में जब वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2SO4, आप समझ रहे हैं। और यहां से ये H2SO4 को आप क्या करिए, कि H2SO4 और 2NaOH से रिएक्शन करके, क्यों 2, क्योंकि 2H+ है ना, डाइबेसिक एसिड है ना, तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस क्या बनेगा, वाटर, यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां 2 हाइड्रोजन, तो 2H2O। बिल्कुल उसी तरह से ऊपर क्या है, 2HCl, उस 2HCl के लिए 2NaOH लेने होंगे, और यहां बन जाएगा 2NaCl और वाटर, ठीक है।
बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे ऊपर वाला देखे थे। अब जरा देखिए SO3 यहाँ निकला, यहाँ यूज हो गया H2SO4, H2SO4, HCl निकला, HCl यूज हो गया, वाटर दो लगे थे, दो वाटर निकल गए, बिल्कुल देख रहे हैं आप ऊपर जैसे। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे SO2Cl2 लिखे प्लस कितने NaOH, 4NaOH गिब्स। अब जरा इधर देखिए Na2SO4 प्लस 2NaCl प्लस 2H2O, ठीक है। देखिए एकदम आसान है, आइए एक दो और देखते हैं, मिटा दी उसको। चलिए अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन कहूं, अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखूं CrO2Cl2, अब देखिए इसमें भी आप वाटर डालिए, वाटर से क्या होगा 2HCl। अब देख रहे हैं कितना आसान है, यहां CrO2, एक ऑक्सीजन और आ जाएगा O3। अब देखिए जरा CrO3 में जब वाटर मिलाएंगे तो H2CrO4 क्या बनता है, H2 क्रोमिक एसिड, H2CrO4। फिर क्या करेंगे हम, बिल्कुल वही चीज 2HCl 2NaOH क्या बनेगा, NaCl और 2 वाटर, है ना। और उसी तरह H2CrO4 में 2NaOH लाएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CrO4 प्लस वाटर। वाटर कितने बनेंगे, 2 हाइड्रोजन 2, हाँ ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, जैसे ऐड करेंगे आप देखिए CrO3 कैंसिल, 2HCl 2HCl कैंसिल, H2CrO4 H2CrO4 कैंसिल, 2 वाटर और इधर के 2 वाटर कैंसिल। अब क्या करेंगे आप, लिख देंगे CrO2Cl2 4NaOH Na2CrO4 2NaCl और 2 वाटर, आप देख रहे हैं हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, हम लोग आसानी से कर सकते हैं हैलाइड के रिएक्शंस भी। एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन, अगर हमें देखना हो ZnCl2, आइए देखते हैं ZnCl2, अगर ZnCl2 वाटर के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, जरा देखिए यहां थोड़ा सा देखना होगा, ZnOH होल ट्वाइस और क्या बनाएगा 2HCl, बोलिए दोनों Cl को हाइड्रोजन लेके चला गया, ZnOH होल ट्वाइस। अब चूंकि ट्रिक क्या है, इसको कैसे हम करेंगे, तो आप करिए क्या कि ZnOH होल ट्वाइस को आप थोड़ा चेंज करिए, इसको इस तरह से बताइए कि भाई देखो तुम एसिड हो H2ZnO2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं H2ZnO2 लिख सकता हूं। अब आइए, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे क्या करना है, H2ZnO2 से NaOH रिएक्शन करेगा, कितना NaOH 2NaOH NaOH प्लस H2ZnO2 और ये क्या बना लेगा, आप खुद से देखिए Na2ZnO2, ओके, और क्या बना लेगा 2H2O। अब देखिए उधर 2HCl भी तो है ना, तो 2NaOH और लगेंगे 2NaOH 2HCl 2NaCl और 2 वाटर, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए H2ZnO2 यहां जो निकला था H2ZnO2 सॉरी कहां गया, ये खत्म हो गया, 2HCl 2HCl खत्म, एक वाटर और उधर तो 2 वाटर हैं, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं क्या हुआ, ZnCl2 प्लस NaOH 4 ना बच्चों 4NaOH। अब जरा उधर देखिए
Na2ZnO2 प्लस 2NaCl प्लस कितने वाटर निकल रहे हैं? 4। और कितने वाटर यहां यूज हुए हैं? 1। तो यानी 3 वाटर। अब देखिए तो कितना आसान है, आप देख रहे हैं कितना आसान है, हम लोग बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह धीरे 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 5-5, 10-10 मिनट आप समय देते रहिए क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री में, और एक दिन पूरी केमिस्ट्री आप घर पे बैठे बैठे अच्छे से ट्रिकी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सर रेगुलर ये मेरे पास आए, समय से आए ये वीडियो, तो आप सब्सक्राइब तो कर चुके हैं लेकिन उसमें बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे बेल आइकन प्रेस करेंगे सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही कॉपी पेन लेके बैठिए, और थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।